सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले है बाबूलाल मरांडी और ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, सभी जानते हैं। और इनका कार्यकाल क्या था, 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1998 में ये वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 2006 में ये भाजपा से अलग हो गए। और भाजपा से अलग होने के बाद JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक अलग पार्टी बनाई। उसके बाद 2020 में ये पुनः भाजपा में शामिल हो गए और वर्तमान में इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, धनवार है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा 3 बार CM रहे हैं, ये भी BJP से हैं, ठीक है। देखिए पहले, सबसे पहले ये 2003 से 2005, फिर 2005 से 2006 और उसके बाद 2010 से 2013 तक CM रहे, यानी कि 3 बार रहे, ठीक है। और बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित प्रथम मंत्रिमंडल में इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में ये केंद्र सरकार में जनजातीय मामले के मंत्री हैं। साथ ही साथ इनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी और इन्हें भारतीय तीरंदाजी और झारखंड तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ऐसे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात तो ये याद रखना है कि 3 बार CM रहे हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि ये मरांडी सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। उसके बाद ये वर्तमान में जनजातीय मामले के मिनिस्टर हैं, ये याद रखना। निर्वाचन क्षेत्र खूंटी है और भारतीय तीरंदाजी और झारखंड तीरंदाजी संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल इन्हीं का रहा है 10 दिन का, ठीक है। इसके अलावा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं JMM की, तो JMM की स्थापना कब होती है, 4 फरवरी 1973 में, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, ये विनोद बिहारी महतो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और प्रथम महासचिव कौन बनते हैं, तो ये है शिबू सोरेन, ठीक है। और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में ये कोयला मंत्री भी बनते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट है कि ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, ये 2020 में चुने गए हैं और 2020 में ही दीपक प्रकाश भी चुने गए हैं, BJP से हैं, ठीक है। और ये दीपक प्रकाश झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, झारखंड BJP प्रदेश के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, हिंदी में लिखी गई है। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी में। और सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये तीनों के तीनों पुस्तक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट मधु कोड़ा, और मधु कोड़ा की अगर बात करते हैं तो 2006 से 2008 तक ये CM रहे और पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे, ये इम्पोर्टेंट है। और राजनीतिक जीवन इनकी शुरुआत हुई है आजसू पार्टी से। अब देखिए आजसू की अगर बात करते हैं तो 1986 में इसकी स्थापना होती है, किनके द्वारा, ये होती है सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। और ये बाबूलाल मरांडी की सरकार में क्या रहते हैं, पंचायती राज मंत्री रहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रघुवर दास, और रघुवर दास का कार्यकाल था 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक, यानी कि पूरे 5 साल तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बाबूलाल मरांडी की सरकार में श्रम नियोजन मंत्री बनाए गए थे और अर्जुन मुंडा की सरकार में भवन निर्माण विभाग के मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन का कार्यकाल क्या था, पहली बार जो बने थे ये 13 जुलाई 2013 से 13 दिसंबर 2014, ये पहली बार बने। और दूसरी बार बने 13 दिसंबर 2019 से अभी तक ये कार्यरत हैं, ठीक है। उसके बाद 2003 में ये झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने और 2009 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, ये इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यरत हैं और ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये बरहेट और दुमका विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और बाद में इन्होंने दुमका से इस्तीफा दे दिया और दुमका से फिर बाद में उपचुनाव में किसने जीता है, तो बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 2009 में इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने हाल ही में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है झारखंड में राष्ट्रपति शासन, और ये राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद से लगता है, तो 356 अनुच्छेद से लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति शासन की अगर बात करते हैं तो 3 बार झारखंड में लग चुका है। पहली बार कब लगा था, 19 जनवरी 2009 को, उस समय CM कौन थे, शिबू सोरेन थे, याद रखिएगा। और दूसरी बार 1 जून 2010 को लगा, शिबू सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। और 18 जनवरी 2013 को लगा तीसरी बार, अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे, ठीक है।
अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो इसी टॉपिक पे आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी कब बनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी बनाई थी। उसके बाद 2020 में ये पुनः बीजेपी में शामिल हो गए। नेक्स्ट है, हेमंत सोरेन राज्यसभा के सदस्य कब चुने गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2009 में चुने गए थे। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2009 में लगा, फिर 2010 में लगा, फिर 2013 में लगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973 में, 4 फरवरी 1973 को JMM की स्थापना हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो और उसमें महासचिव बनाए गए थे शिबू सोरेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हेमंत सोरेन कितने क्रम के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वें नंबर के हैं। और अगर पर्सन वाइज देखें तो ये 6th नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, कौन से मुख्यमंत्री पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधु कोड़ा। नेक्स्ट है, कौन से मुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं? 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा कहाँ से अभी सांसद हैं? ये खूंटी से हैं, झारखंड के खूंटी से क्या हैं, सांसद हैं। साथ ही साथ अभी ये केंद्र में जनजातीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा झारखंड और भारतीय तीरअंदाजी संघ के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, कौन से मुख्यमंत्री श्रम नियोजन मंत्री रह चुके हैं? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुवर दास, ये श्रम नियोजन मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये भवन निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बाबूलाल मरांडी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनवार। नेक्स्ट है, अर्जुन मुंडा का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। नेक्स्ट है, झारखंड तीरअंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने बताया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुज कुमार सिन्हा। और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन ये अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा और भी पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ है, कौन कौन सा बुक है? पहला है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ये हिंदी भाषा में, और दूसरी हो गई ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी भाषा में, और तीसरी पुस्तक है सुनो बच्चो आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। तो ये सारे के सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है, अनुज कुमार सिन्हा ने। इस तरीके से टोटल 12 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है झारखंड के मुख्यमंत्री से, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं। थैंक यू सो मच।